डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टूडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम पेज नंबर 113 और 114 पढ़ेंगे। इसको बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को, और इससे पहले वाले पेज आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चीज चलते हैं हम, ऊपर ही ऊपर लिखा रहा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ध्यान से समझना है। अब देखो, रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लाई होता है। रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये 5 और ये भी 5 है, काउंटिंग भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 और 5 दोनों को अगर मिलाते हैं हम, इन दोनों चीज़ों को यह मिला लिया है, तो इनको काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों को मिलाने से अपना यहाँ 10 बन जाता है। रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो, 5 और 5 दोनों को हम प्लस करते हैं तो 10 आता है। तो देखो, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख सकते हैं, ये बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग। 2 टाइम्स 5, 5 दो बार लिखे हुए हैं, 2 टाइम्स 5 यानी 5 दो बार लिखे हुए हैं, इस 10, दोनों का मतलब 10 होता है। 2 टाइम्स 5 इज 10, दोनों का मतलब 10 होता है। वी राइट इट, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इक्वल्स टू भी 10 होते हैं, अर्थात 2 की टेबल आप 5 टाइम बोलोगे तो 10 होगा। कहने का मतलब ये जो साइन है इज़ द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, याद रह जाएगा आपको। ये किसका सिंबल है, ये जो सिंबल है यही यहाँ लगा हुआ है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 आया। यानी कि 5 को 2 टाइम लिख के ऐड करने से जो आता है, वही 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाता है। मतलब ऐड बार बार करेंगे हम तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं और सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब बार बार लिख के ऐड कर लो, या जितनी बार वो लिखा हो उस संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात होती है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ, ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यही सिंबल यहाँ लगाया गया था। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गए, अब आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझना है आपको। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों को हम, इस 3 का मतलब तो ये यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ 3, तीनों को हम लिख के ऐड करेंगे तो 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6, और 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि 9 आए हैं। अब इसका मतलब है 3 कितने टाइम्स लिखे हुए हैं, 3 टाइम्स लिखे हुए हैं, तो ये 3 को यहाँ 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ भी 9 आए हैं। मतलब 3 को 3 टाइम लिख के ऐड करना या 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना एक ही बात होती है, दोनों का मीन्स 9 ही होता है। मतलब रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखो 1 2 1 2 3 4, या फिर इसको ऐसा नहीं करो तो इस कॉलम में 2 लिखा हुआ है तो ये 2 लिख दिया, इसमें फिर 2 लिखा हुआ है यहाँ 2 लिख दिया, इसमें फिर 2 लिखा हुआ है यहाँ 2 लिख दिया, इसमें फिर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 लिख दिया। इन चारों बार 2 जो लिखे हुए हैं इनको यदि हम ऐड करते हैं तो 2 और 2 को ऐड करते हैं तो 4, 4 और 2 को ऐड करते हैं तो 6, 6 और 2 को ऐड करते हैं तो 8 आते हैं, यहाँ हम 8 लिख सकते हैं। यहाँ तक भी क्लियर है। अब कितने टाइम लिखा हुआ है, 2, 4 टाइम लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ 4 लिख दिया। क्या लिखा हुआ 4 टाइम 2, तो 2 की टेबल 4 टाइम्स बोल लीजिए, या 4 की टेबल 2 टाइम्स बोलिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो भी 8 ही आएंगे। और 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो भी 8 ही आएंगे।
कहने का मीन्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अपना 8 आया है। अब आगे चलते हैं, हम आगे बड़े ध्यान से समझना आप लोगों को। देखो इसमें देखो ध्यान से, 1 2 3 4, या 1 2 3 4 एक कॉलम है, ये 4 लिख दिया, 1 2 3 4 ये दूसरा कॉलम, इसमें 4 लिख दिया, दोनों को हम ऐड करते हैं तो 8 आता है। कितना आता है? 8 आता है। तो यहाँ 2 टाइम लिखा हुआ है तो 2 यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखा हुआ है? 4, तो 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे तो भी 8 ही आएंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पेज नंबर 114 पढ़ेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 है, इसको बड़े ध्यान से समझना है पहले तो, फिर बाद में याद भी करना है, क्योंकि यदि याद नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला। देखो 1 2 2 लिखा हुआ है, 2 कॉलम, 2 गोले बने हुए थे, यहाँ 2 लिख दिया। अब 2 कितने बार लिखा हुआ है? 1 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 टाइम्स 2 लिख दिया इज 2, दोनों को हम 1 टाइम्स 2 इज 2, इसका मतलब है 2 1 जा 2, टेबल बन गई 2 1 जा 2, यानी कि 2 1 टाइम्स लिखे हुए हैं, 1 2 एक बार लिखा हुआ 2, तो 1 टाइम्स 2 इज 2, इसका मतलब टेबल बन गई है 2 1 जा 2। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, 1 2, 2 एक बार यहाँ लिखा हुआ है, 2 एक बार यहाँ लिखा हुआ, तो 4 लोग हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो गए, यानी 2 टाइम्स 2 इज़ 4, ऐड करने से जो संख्या आई है वो यहाँ लिखी हुई है, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, इसका मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये टेबल बन चुकी है अपनी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 3 टाइम लिखे हुए हैं, 1 2 ये 2, 1 2 ये 2, 1 2 ये 2, तो 3 टाइम लिखे हुए तो यहाँ लिख दिया 3 टाइम्स 2 इज़ 6, इन सबको ऐड करेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6, 3 टाइम 2 इज़ 6, इसका मतलब 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, 2 3 जा 6, तो ये टेबल बन गई है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे बोल के आप लोग याद करेंगे। अब आगे चलते हैं, 1 2 ये 2 लिखा हुआ है, 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 तो 4 टाइम्स 2 लिखे हुए हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो 8 आएंगे। देखो 2 2 4, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8, यानी कि 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, यानी कि 2 4 ज़ा 8। तो इसको बोलेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, इसमें जो संख्या है ना उसमें जा लगाना है आपको, 2 1 ज़ा, 1 है तो 1 ज़ा लगा दो, 2 1 ज़ा 2, इसमें 2 है तो 2 ज़ा लगा दो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, सब में जा लगाना है इसमें, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इस तरह बोल के आपको टेबल याद करनी है। अब आगे ध्यान से समझना है, और बड़े ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और समझ में आने के बाद तो हर चीज़ ईजी लगती है हमें, आपको भी ये पता है कि हर चीज़ समझने के बाद में ईजी हो जाती है। देखो 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, 2 को 5 टाइम लिख के ऐड करने से कितने आंसर आते हैं? देखो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10, यानी कि 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 2 इज़ 10, यानी कि 2 इंटू 5, यानी 2 इसमें जा लगाना है, मैंने आपसे कहा था 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएंगे, 2 5 ज़ा 10। अब नीचे देखो 1 टाइम 2, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम, इन सबको ऐड करो, 2 और 2 4, 4 टू 6, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10, 10 और 2 को ऐड करेंगे तो 12, यानी 6 टाइम 2 इज़ 12, 6 टाइम 2 इज़ 12, यानी 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा
12, 2 6 12, यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, यानी 2 5 10, 2 6 12। मैंने कहा कि इसमें जा लगाना, जैसे 5 है तो 5 जा, 6 है तो 6 जा, यानी 2 5 10, 2 6 12। अब नीचे आते हैं हम, बड़े ध्यान से समझना है आपको। 1 times, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times और 7 times, इन सबको ऐड करेंगे। 2 और 2 4, 4 और 2 को ऐड करेंगे 6, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10, 10 और 2 को ऐड करेंगे 12, 12 और 2 को ऐड करेंगे तो 14, यानी कि 7 times लिखा हुआ है। 7 times 2 is 14, यानी 2 7 जा 14। मैंने इसमें यही कहा कि जा लगाना है आपको, ये 7 है तो 7 जा लिखना है, 2 7 जा 14। अब आगे चलते हैं, यहाँ 2 है, 1 times, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, तो इनको सबको ऐड करेंगे। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 12 14 और 16, यानी 8 times 2 is 16, यानी 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। यहाँ तक भी आपको क्लियर, 8 times 2 is 16 एंड 2 8 जा 16, यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब देखो ध्यान से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, आपको ऐसे याद करना है, इसको बार बार बोल बोल के, याद करना है। अब नीचे देखो ध्यान से, अब बड़े ध्यान से समझो हर चीज़ को, क्लियरली समझेंगे और चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। 1 times, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, 9 times, इनको जोड़ो, 2 2 4, 6 8 10 12 14 16 और 18। यदि आपको ऐसे जोड़ना नहीं हो डायरेक्टली जल्दी, तो आप धीरे धीरे ऐड कर लीजिए। 9 times 2 is 18, यानी 2 9 जा 18, 9 times 2 is 18, यानी 2 9 जा 18। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 times 2 को लिख के ऐड करेंगे तो 20 आएंगे, तो 10 times 2 is 20, यानी 2 10 जा 20, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। मतलब जो चीज़ लिखी हुई उसमें जा लगाना है आपको और याद करनी है टेबल। अब मैं शुरू से रिपीट करा देता हूँ टेबल को, कैसे याद करनी है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। आपको पूरी टेबल क्लियर हो गई है ये, और अच्छी तरह समझ में भी आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको एक ही टेबल याद करनी है। और थैंक यू, वेरी नाइस डे।